आपके घोड़े छटपटाने लगेंगे। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह, दोस्तों देखिए आप लोग देख रहे हैं किस तरह ये छटपटाते हैं। आप इसे कान ढक के, हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुबह के बज गए 10। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम अपने कुछ खास बात आपको बताने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अपने पदवा को सफाई। आप लोग देख सकते हैं पीछे हम पदवा को पानी मार रहे हैं, उसके बाद अभी सफाई करेंगे। दोस्तों दिखाते हैं आपको, पैक आपको दिखा रहे हैं दोस्तों बैक कैमरे से। आज मैं बहुत दिन के बाद हम अपने पदवे को भी नहा दूंगा दोस्तों, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और कल आप लोग जान रहे हैं 2 दिन के बाद गोवर्धन पूजा आने वाला भी है। दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे उस दिन, आप लोग मिलिए। मैं आज पहले अपने पद्मावती को अच्छे से साफ कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह आप लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पद्मावती को पहले पानी डाला गया है, रोहित ने इसको अच्छे से नहा देंगे, रोहित अच्छे से नहा देंगे। उसके साथ में जो हमारा चेतक है, उसके साथ में अब जो हमारे चेतक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पद्मावती माने के लिए दौड़ी और चेतक जो उसके साथ में आप लोग देख रहे हैं उसको भी अच्छे से नहाया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो हाउस हेडिंग बिहार के मेंबर बनिए। हाय, कैसा लग रहा तुमको नहा के, अपना कुछ राय बताओ मेरे पद्मावती, कैसा? अच्छा आप लोग देख सकते हैं किस तरह अपना पद्मा अच्छे से नहा रही है और साथ में चेतक भी। बहुत से घोड़े को जब आप पानी दीजिएगा तो वो हड़क भी जाएगा। आप लोग को सावधानी भी हम बता देते हैं, अगर क्या रखते हैं सावधानी वो भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। अगर आप कान के में पानी देते हैं तो ये चीज़ से आप लोग बचे अपने घोड़े से, देख सकते हैं। साबुन अगर पानी अगर कान में जाती है तो उसे तकलीफ़ होता है। मैं आपको दिखाऊँगा जब कान के पास पानी देते हैं तो किस तरह वो छटपट करने लगते हैं। अब हमारा छोटे चेतक से मिल लीजिए, इसका लगभग 2 मंथ होने वाला है दोस्तों, कुछ ही दिन बचा है 2 मंथ होने में। अब इन्हें हमारे पद्मावती से अच्छे से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी रोहित से पूछते हैं क्या चीज़ वो अप्लाई कर, मतलब क्या चीज़ वो लगा रहे हैं जो साफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये गंदी थी और अब भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये साफ़ हो रही है। तो इसके ऊपर क्या क्या लगा के साफ करते हैं? हाँ रोहित, क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? कौन सा साबुन लगा रहे हो दोस्तों? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं आप लोग किस साबुन से जाते हैं आप अपने घोड़े को साफ कर सकते हैं अच्छे से, किस तरह आप अपना घोड़े को ख्याल रख सकते हैं। अगर आप सबसे पहले दोस्तों आपके घर में अगर सिर्फ एक्सल साबुन हो तो उसे अच्छे से यूज करना सीख लीजिए। अगर सर्फ एक्सल साबुन है तो उसको लगाइए पहले, उसके बॉडी में 2-3 सर्फ एक्सल साबुन लगता है दोस्तों, ठीक। उसके बॉडी में 2-4 साबुन आराम से लग जाते हैं क्योंकि बॉडी बहुत बड़ा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसके वजह से 2-3 साबुन आराम से लग जाएगा। सर्फ एक्सल साबुन से क्या होगा, जितना भी होगा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले पैर का आप लोग देखिए पैर में कितना गंदा है, तो इससे अच्छे से साफ के देखिएगा। हम उसके बाद सर्फ एक्सल साबुन मार के उसके बाद इसके ऊपर ब्रश मार देंगे तो किस तरह साफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है तो दूसरा साबुन, आप लोग लाइव बॉय जानते होंगे, लाइव बॉय भी दोस्तों बहुत अच्छा पूरा यूजफुल साबुन है, उसे भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद बॉडी एकदम आपके घोड़ा एकदम क्लीन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों पानी मार के। तो दोस्तों अभी देखिएगा उसका बॉडी में पानी मारेंगे तो आराम से लेगी। बात करें उसके कान के पास, अगर आप कान के पास जाएंगे तो आपके घोड़े छटपटाने लगेंगे। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह, दोस्तों देखिए आप लोग देख रहे हैं किस तरह ये छटपटाते हैं। आप इसे कान ढक के देख लीजिए किस तरह ये वो कर रहे हैं। कान में, घोड़े के कान में पानी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, इस वजह से वो अपना सेफ्टी पर्पस खुद ध्यान रखती है अच्छे से। आप लोग आप रोहित को देख लीजिए, पहले ये अच्छे से भी पूरे बॉडी को भिगा देंगे। बॉडी को भिगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर साबुन लगाया जाएगा, उसके ऊपर इसके बाद ब्रश से घसा जाएगा क्योंकि काफ़ी साफ हो गया। ये बहुत दिन के बाद भी ला रहे, देख लीजिए कितनी गंदी हो गई। जब इसका पूरा एकदम क्लियर कट हो जाएगा दोस्तों, एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगी, एकदम दूध की तरह वाइट हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा। आप लोग पहले देख लीजिए इसको। तो बात करें तो आज हम चेतक का भी बात करना कुछ आते हैं दोस्तों। चेतक देख सकते हैं हमारा नुकड़ा घोड़ा निकला है दोस्तों, इधर देख सकते हैं किस तरह वो छटपटा रही है। जबरदस्ती पान
कान में पानी देने की कोशिश कर रहे थे, मुंह पे पानी दे रहे थे, मुंह पे सफाई करना चाह रहे थे, तो इसलिए मुंह की वजह से सफाई करने के लिए वो कान पे ही पानी चल गया। तो देखिएगा दोस्तों किस तरह अब इसको पानी दिया जाएगा। दोनों कान को पहले झाँपे जाएंगे, हाँ झाँपो कान, अब दोस्तों देख सकते हैं किस तरह इसकी मुंह की सफाई हो रही है अच्छे से। अब इसके ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं कान से अब पानी देख सकते हैं दोस्तों किस तरह वो कान को छिपा के रखे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद ये पानी आराम से ले लेंगे, देख सकते देख रहे दोस्तों कई चीज़ आपको एक डर लगेगा। आप अपने घोड़े को जब भी नवाएं तो कान से दोस्तों आप लोग बचाई के नवाइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चेतक के बाद। तो आज तो आप चेतक को आज भाइयों आज चेतक को भी लगाया जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं ये काफ़ी गंदे हैं ये। हाय चेतक नहाओगे? तो आप लोग देखें किस तरह हम इसे नहाए, आप लोग भी अपने घोड़े पे अप्लाई करें दोस्तों, अब नहाने की कोशिश करें किस तरह। अगर आप लोग भी घोड़े हैं तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, कान पे पानी नहीं जाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।